अयोध्या में दिवाली पर इस बार एक अलग ही नजारा था। 23 अक्टूबर को दिवाली के इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचे और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने दीपोत्सव में आने के बाद नया घाट पहुंचकर सरयू आरती की और रामलला का दर्शन करने के बाद अयोध्या लौटे और भगवान राम का प्रतीकात्मक रूप से राज्याभिषेक किया। लेजर शो में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अयोध्या के कण कण में भगवान राम का दर्शन समाहित है और अयोध्या की रामलीला और सरयू आरती सारे विश्व में डंका बजा रही है। पीएम मोदी ने सारे देश को दिवाली की बधाई भी दी और कहा कि दिवाली ऐसे मौके पर आई है जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। अयोध्या में इस बार राम की पैड़ी पर 23 अक्टूबर को एक अलग ही नजारा देखने को मिला। जलते दियों ने पूरे अयोध्या में 4 चांद लगा दिए। इस बार अयोध्या में 17 लाख दिए जलाए गए, जिसमें से सरयू नदी के तट पर 15 लाख से अधिक दिए जलाए गए। इस बार दिवाली के खास मौके पर अयोध्या में सबसे ज्यादा दिए जलाए जाने का नया रिकॉर्ड बन चुका है। जैसे ही पीएम मोदी और सीएम योगी वहां से निकले, तभी लोगों की एक भीड़ वहां पहुंच गई और लोगों ने पैड़ी पर बुझते दियों से तेल निकालना शुरू कर दिया। बच्चे हो या जवान या फिर बुजुर्ग, सब तेल निकालने में लगे थे। 15 लाख दियों में 60,000 लीटर तेल डाला गया। लोगों का कहना था कि दिवाली पर इतनी महंगाई है, ऐसे में 200 रुपए लीटर का तेल फ्री में मिल रहा है तो इससे ही हम अपनी दिवाली मनाते हैं। अयोध्या की दिवाली ने ट्विटर पर धमाल मचा दिया है। हैशटैग अयोध्या दीपोत्सव सोशल मीडिया पर बहुत ट्रेंड कर रहा है। ANI की रिपोर्ट के मुताबिक 230 करोड़ लोगों ने यह देखा है।